सीएम नीतीश कुमार को सभी राज्य के कार्यकर्ता निमंत्रण दे रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार कई राज्य में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जल्द ही नीतीश कुमार झारखंड और उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू करने वाले हैं। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि वे लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने देखा है जेडीयू के भीम संवाद में काफी संख्या में लोग जुटे थे, बीजेपी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी तो बोलते हैं कि अशुभ है। जनता 2024 में सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री के बिहार यात्रा को लेकर कहा कि जल्द कार्यक्रम बनेगा, इससे लेकर तैयारी की जा रही है। जानकारी है कि सभी जगह जो जहां बुलाहट हो रहा है अन्य प्रदेशों में, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे और सब जगह पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे? उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, सभी जगह प्रोग्राम बन रहा है। जल्द ही आप लोग को जो है मीडिया के साथी को ब्रीफ किया जाएगा। जानकारी है कि सभी जगह जो जहां बुलाहट हो रहा है अन्य प्रदेशों में, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह धूमधाम से 24 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। इससे पहले दर्जनों बार कृष्ण मेमोरियल हॉल और ज्ञान भवन में ये जयंती मनाई गई। पूरे बिहार से जो पार्टी के साथी हैं वो इसमें पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज में करेंगे और बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। यूनाइटेड के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह पूरे धूमधाम से 24 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है और इससे पहले दर्जनों बार कृष्ण मेमोरियल हॉल और ज्ञान भवन में मनाया गया है और पूरे बिहार से जो पार्टी के साथी हैं उस दिन आते हैं। इस बार पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार वेटनरी कॉलेज में यह कार्यक्रम करेंगे और बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी हम लोग तेज करने वाले हैं और इसमें हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भाग लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहें, प्रदेश अध्यक्ष रहें, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं सभी लोग रहें और पूरे बिहार से जो हमारे अति पिछड़ा भाई हैं वो आएंगे, पार्टी के जो साथी हैं वो आएंगे और हजारों हजार की संख्या में पटना के अंदर में लोग उपस्थित होंगे। और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार थे, जो उन्होंने हम लोग के लिए काम किए, जो हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो फैसला लिया, उस फैसला को और तेज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग को आरक्षण पंचायत के अंदर में देने का काम किया, न्यायिक सेवा में देने का काम किया, जो जातीय गणना के बाद फिर जो आरक्षण का जो दायरा जातीय गणना के बाद बढ़ाया गया है, उस मैसेज को भी सभी को देने का काम किया जाएगा। और जितने भी कार्यक्रम हुए हैं पटना के अंदर में, चूंकि हमारी आबादी सबसे अधिक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36% है, तो हम लोग उस अनुरूप उस दिन यहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे और पूरे बिहार से लोग आएंगे, बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा भीड़ होगा और पिछला हम किसी से तुलना नहीं करेंगे, चूंकि हमारा आबादी ज्यादा है और वह कार्यक्रम भी बड़ा हुआ है और उसका भी बड़ा मैसेज गया है। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं उन्होंने भी एक बड़ा कार्यक्रम करके लकीर खींची है, उस सारे कार्यक्रम के अनुसार हम लोग आगे भी बड़ा कार्यक्रम करके और सभी गाँव तक हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी के कामों को पहुंचाने का काम।